आम अभी मिलने लगे हैं और आम में से आज मैं आपको 5 मिनट में तैयार होने वाले पेड़े की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ये पेड़ा बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया तैयार होता है, तो चलिए 5 मिनट में तैयार होने वाले पेड़े बनाना शुरू करते हैं। पेड़ा बनाने के लिए मिश्रण बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 कप बारीक कटा हुआ आम डाल देती हूँ। ये करीबन 1 कप आम है। मैंने एक अल्फेंजो आम लिया है। आपके पास जो भी आम अवेलेबल है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आम को इस प्रकार से बारीक कट करती हूँ। अगर आपको इसको प्यूरी करके यूज करना है तो भी कर सकते हैं, पर जब भी हम पेड़ा खाएंगे ना तभी आम के थोड़े पीसेस मुँह में आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, इसलिए मैं हमेशा इस प्रकार से बारीक कट करके ही आम को यूज करती हूँ। 1/4 कप पनीर, पनीर को मैंने इस प्रकार से बारीक हाथों से क्रम्बल कर लिया है, वो डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या तो उसकी जगह पे आप 2 टेबलस्पून बारीक क्रश के हुआ ब्रेड भी डाल सकते हैं। 1/4 कप दूध, जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप दूध लिया है। 2 टेबलस्पून शक्कर, आम किस हिसाब से मीठे हैं उस हिसाब से आप शक्कर का नाप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी जो आम यूज किया है वो बहुत ही ज्यादा मीठा है, इसलिए मैं केवल 2 चम्मच ही शक्कर ऐड कर रही हूँ। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सामग्री मिक्स हो चुकी है, इसे मैं गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैं इसे मीडियम आंच के ऊपर कुक कर रही हूँ क्योंकि ये तुरंत ही रेडी हो जाता है। अगर आपने इसे तेज आंच पे कुक किया तो कई बार पनीर और मिल्क पाउडर दोनों का कलर चेंज हो जाएगा, इसके लिए इसे मीडियम आंच के ऊपर ही कुक कीजिए। 2 टेबलस्पून काजू के टुकड़े, मैं थोड़ा पहले ही काजू ऐड कर देती हूँ जिससे काजू सॉफ्ट रहेंगे और बढ़िया लगेंगे। काजू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। 1/2 मिनट होने को आया है और आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया मैंगो का कलर भी इसमें आ चुका है और मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों 1 मिनट हो चुका है और मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हमें यही स्टेज के ऊपर इसे कुक करना बंद कर देना है। हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। ये मिश्रण केवल 1 ही मिनट में तैयार हो जाता है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और उसके ऊपर मैं पहले छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। हमें जो साइज के पेड़े बनाने हैं उसके बॉल्स हम रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पे छोटी साइज के पेड़े तैयार कर रही हूँ। मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे प्रॉपर शेप दे देती हूँ और सर्विंग प्लेट के अंदर रख देती हूँ। उसके ऊपर मैं बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देती हूँ। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आम का पेड़ा बाहर 3 से 4 दिन और फ्रीज में 7 से 8 दिन बहुत ही अच्छे रहते हैं।